ये देखो आगे बाइक वाला तीन जा रहा है, पूरे रोड घेरे हुए, लेकिन ये दिख रहा है नेक्सॉन को पास नहीं दे रहा है। मर जाएगा इसी में। अब देखिए मैडम, हम दबाए हुए एक स्पीड अभी 100 से ऊपर पहुंचा दी है। देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम हरा भरा रोड। ले चाबी कहाँ गया? मिला गाड़ी का चाबी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज सैटरडे का दिन और अर्जेंटली मेरे को निकलना पड़ रहा है आज अहमदाबाद, और आज फैमिली के साथ आज निकल रहे हैं अहमदाबाद। और ओए सामान पीछे उछलता है बहुत, और हम लोग आज जाने का वही ट्रेडिशनल रूट से ही जाने का प्लान किए हैं। दूसरा रूट से जाने का प्लान था लेकिन बहुत लंबा टाइम लेता है। को पहुंचने में अभी लगभग कितना 10 बजा है एग्जैक्टली, और पहुंचते ये रात को 8 या 9 से कम नहीं बजेगा। अभी गाड़ी में फ्यूल भरवाना पड़ेगा क्योंकि अभी गाड़ी का रेंज दिखा रहा है मात्र 71 किलोमीटर। कैसे है, ज़्यादा नहीं लेते हैं, मेरे को लगता है 3000 का लेते हैं, फिर गुजरात में भरवाएंगे। और कहते जीरो, हाँ चलो जीरो, 3000 ही सेट किया है ना। हाँ, 3000 जो आप बोलोगे वही करेंगे जब तक। चलो थोड़ा सा हवा भी भरवा दिया जाए। तो 600 किलोमीटर जाना है अहमदाबाद, जब जाने से पहले थोड़ा सा हवा भी भरवा लिया जाए ताकि सेफली पहुंच जाए आराम से रास्ते में। सब कुछ हो गया, अब सीधा निकला जाए। बीच में एक दो जगह रुकेंगे खाना पीना खाने के लिए, साथ सीधा एकदम धड़ाधड़ निकलते चला जाएगा। अब ये 2 घंटे का जो रास्ता है ना, लगभग 100 किलोमीटर का, ये बड़ा अटपटा रास्ता है। ये सिंगल लेन का रोड है जो आपको दिख रहा है, सिंगल लेन का रोड। अभी ये चलाने में ये इसमें एक सरदर्द होता है, ये 100 किलोमीटर निकल गया, उसके बाद फिर सब 4 लेन है। और दूसरी चीज़ अभी गुजरात इंटर करने के बाद गुजरात का रोड का भी कंडीशन सही नहीं है, बारिश में बहुत ज़रूर टूटा है, तो एक वहाँ का दिक्कत आएगा थोड़ा सा। अभी देखो पहुँचे हैं ताल, और बस स्टैंड के पास रुक करके अभी केला ले रहे हैं, प्रज लोगों को भूख लग गया है। ये देखो अभी जावर पहुँचे हैं, और जावर के पास थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक लिए थे। यहाँ से स्ट्रेच ब्रेक लेने के बाद अब वापस यहाँ से अब चल दिए, 2 घंटा कंटिन्यू चलाए गाड़ी, 2 घंटा हो गया। थोड़ा सा भी बिना सीट बेल्ट का गाड़ी नहीं चलाने देता है इसका सेंसर। ये अब चले एक्सप्रेसवे पकड़ने, यहाँ से सर्कल मारिए और बड़ौदा की तरफ राइट लेफ्ट, ये देखिए दिल्ली, और यहाँ से राइट बड़ौदा। इसमें एक चीज है देखे हैं कि सब जगह लेडीज को ही एम्प्लॉय करके रखा है, तो उस साइड भी लेडीज ही रहती है टोल प्लाजा पे, इस साइड भी लेडीज ही है। देखिए कैमरा, कितना सारा कैमरा लगा हुआ है, एक भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा है कि विदाउट कैमरा है यहाँ इस रोड पे, पूरे रोड को कैमरा सीसीटीवी से और कैमरा से कवर किए हुए है। देखिए मैडम हमको गाड़ी दे दिए, अब मैडम चलाएगी और हम लोग बैठ के अब थोड़ा देर आराम करेंगे। अब देखिए मैडम हम दबाए हुए एक स्पीड अभी 100 से ऊपर पहुंचा दी है। इसमें 98 दिखा रहा है उस, हाँ 100 से ऊपर पहुंची हुई है। मैडम दबा के चलाती है स्पीड। देखिए चला रहे हैं और बोल रहे हैं 100 से ऊपर चलाते हैं, बोलते हैं कि लगता ही नहीं गाड़ी चला रहे।
अभी भी इनका 90, अभी भी इनका 90 प्लस है स्पीड। देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम हरा भरा रोड। कहेंगे बहुत आज धूप से तो और बढ़िया दिख रहा है, क्लीन स्काई। नहीं ये देखिए अभी लंच करने के लिए उतरे हैं थंदला में। ये देखिए पीछे होटल, यही रास्ते में एक ही होटल दिखता है, यहीं पे रुके हैं। अभी लंच करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए है होटल ओम, यही एक है रास्ते में, रास्ते में मिलता है बढ़िया जगह। कैसा है खाना? मस्त है। खाना पीना हो गया और अब यहाँ से निकलते हैं थंदला से। अब ये सीधा निकलेंगे यहाँ से गोधरा, और गोधरा होते हुए सीधा अहमदाबाद। जगह एकदम ज्वाइन किया हुआ है। देखिए बारिश में इसके ऊपर पानी चला है। देखो ये चेक पोस्ट पे तो कभी चेक ही नहीं होता है यार, दिन में नहीं चेक करता है, रात वात में शाम वाम में चेक करता है इसमें। वो कभी कल कोई कोई को करता है, नहीं तो कहाँ चेक करता है। हम तो जब भी आए कहाँ कभी चेक करते हुए हमको मिला है। ये सब रिसेंटली सब पकड़ाया हुआ है। ये हो गए हम लोग गुजरात में इंटर। अब यहाँ से दिखा रहा है कितना, 4 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है, लगभग 200 किलोमीटर है और 225 किलोमीटर। देखिए धूप में बारिश, इतना तेज धूप निकला है उसमें भी बारिश हो रहा है। लेकिन यहाँ तो हो रहा है। एक और ब्रेक के लिए रुके हैं और अब यहाँ से एक ब्रेक लेने के बाद अब यहाँ से निकलेंगे तो सीधा अहमदाबाद। ये देखो ये अभी रुके थे, ये पीछे देखो ऑर्किड गार्डन करके है, ये हाईवे पे ही है। जब टर्निंग जब लेते हैं ना वो गोधरा से जब राइट, जब अहमदाबाद और ये हाईवे पे टर्न लेते हैं अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद बरोडा जो एक हाईवे मिलता है उस पे जब टर्न लेते हैं गोधरा होते हुए, गोधरा बरोडा हाईवे है ये, तो जब टर्न लेते हैं ना तो यहीं पर हाईवे पर ही थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद ही है। ये देखिए ये है रोड पर, ये इधर से इधर 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 से अगर जाएंगे तो इधर चले जाएंगे बरोडा, और इधर चले जाएंगे तो चले जाएंगे गोधरा, गोधरा या दाहोद आएगा भगवान जाने, मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ जाएगा ये। तो ये चले जाएंगे तो इसी हाईवे पे ये रुकेंगे ना, तो ये होटल या यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह सब अच्छा मिलता है। अब यहाँ से सीधा अब रुकेंगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से लगता है 3 घंटे का और होगा। ये रोड का बहुत बुरा सिचुएशन हो रखा है, खूब टूटा हुआ है ये रोड, कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ है। ओ
घंटा चलाने के बाद यही होता है। और ये सब रोड पे थोड़ा सा ज्यादा ही है ना, कॉमन पब्लिक थोड़ा सा ज्यादा ही है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा गाड़ी चलाएं अपने कंट्रोल में, अच्छा से नहीं कंट्रोल में। आ रहा है एम्बुलेंस अब इसीलिए कहा जाता है भाई कि गाड़ी एकदम कंट्रोल में चलाना चाहिए और कभी भी रैश नहीं करना चाहिए। आदमी का एक चढ़ा दिया था लगता है मुंडी उंडी पे ही, और वो ज़्यादा बड़ा गाड़ी से नहीं हुआ एक्सीडेंट, छोटा गाड़ी ही कोई कारवार से ही हुआ है। जिस तरह से थार से नहीं, क्या पता कौन सा गाड़ी, लेकिन कोई गाड़ी से ही हुआ है, छोटी गाड़ी से ही हुआ है। ये सनसेट देखिए इसका कितना बढ़िया सनसेट आ रहा है। आगे बाइक वाला तीन जा रहा है पूरे रोड घेरे हुए, लेकिन ये दिख रहा है नेक्सॉन को पास नहीं दे रहा है। ये देखो ये तीन स्कूटी वाला और एक बाइक वाला है, है? एक तो विदाउट हेलमेट कुछ नहीं पहना है और अननेसेसरी ओवरटेक करा। देखो एक और आ रहा है ओवरटेक करते हुए मेरे को, पूरा स्कूटी एक्सीलेटर ऐंठ दिया मेरे को ओवरटेक करने के लिए पूरा कोशिश कर लिया एकदम एक्सीलेटर ऐंठ करके ये देखिए अहमदाबाद पहुंचते के साथ ट्रैफिक। ये अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, सिंगरवा, यहाँ से टर्न लेंगे आगे से कठवाड़ा तरफ। ये पहुंचे दास्तान सर्कल। अहमदाबाद पहुंचते के साथ इतना तेज बारिश धमाकेदार वाला बारिश है। ये देखिए फाइनली 8:30 बजे पहुंच गए अहमदाबाद, और अभी है तो सब कुछ साफ सुफ, कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज़ दिखाते हैं, ये बेचारा प्लांट अभी भी जिंदा है, पिछले बार आया था तो एक गिलास पानी डाल दिए थे इसमें, अभी भी ये ठीक ठाक है। और ये तो गया, और कुछ कुछ प्लांट है नीचे, दे दे देखे ये यहाँ पे रखे रखे इसमें फफूंदी लग गया है, ये वैक्सीन का है कवर लगा हुआ। बाकी ऐसा सच तो और कुछ हुआ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।